नमस्कार दोस्तों, वीटेक इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की हमारी वीडियो है कि बहुत से हमारे भाई हमें पूछा करते हैं कि सर गाड़ी पे भी डायग्नोज करने की कोई वीडियो बनाएं, क्योंकि हम ट्रेनिंग वीडियोस तो बनाते रहते हैं कि कंप्यूटर पे हम समझाते हैं, स्क्रीन पे हम समझाते हैं कि गाड़ी को कैसे हम डायग्नोज करते हैं, पर गाड़ी पे जो हमारी वीडियोज आती हैं वो बहुत कम आती हैं। डायग्नोस्टिक्स की वीडियो आती हैं जो वो कम आती है। तो बहुत से भाइयों का हमें ये रिक्वेस्ट आई थी कि गाड़ी पे डायग्नोज करते हुए वीडियो बनाएं और वायरिंग डायग्राम उसमें यूज करके दिखाएं कि हम उस डायग्राम को कैसे यूज करके गाड़ी को डायग्नोज कर सकते हैं। तो आज वो दिन आ चुका है फ्रेंड्स, हमारे पास एक गाड़ी है जिसको हमने डायग्नोज पिछले संडे को किया था। बारिश बहुत हो रही थी, सो कुछ कुछ हद तक मैंने उसे डायग्नोज कर लिया था, बाकी आज डायग्नोज करना है और आज उसे ठीक करना है और देखेंगे कि क्या इशू आ रहा था और कैसे उस इशू को हमने फिक्स किया। पिछली वीडियो में मैंने पार्क न्यूट्रल स्विच पे आपको वायरिंग डायग्राम दिखाई थी कि पार्क न्यूट्रल स्विच में हमारे कंप्यूटर को कैसे पता लगता है कि गाड़ी पी में है, एन में है, डी में है या रिवर्स में है। तो आज भी जो हमारे पास गाड़ी है, जिस कस्टमर के पास हम जा रहे हैं, उसके पास भी कुछ सिमिलर इशू ही आ रहा है। पिछले संडे को हमें उस कस्टमर ने बुलाया था कि उसकी गाड़ी 2500 आरपीएम के ऊपर नहीं जा रही, और उसके साथ साथ वो, क्योंकि वो लिम्प होम मोड में है, पर कोई इंजन लाइट ऑन नहीं है, कोई कोड नहीं है, गाड़ी रेव नहीं कर रही, गाड़ी चल नहीं रही। तो हम गए पिछले संडे को, गाड़ी मैंने चेक की, तो जैसे चेक कर, हम सबसे पहला स्टेप जो मेरा होता है कस्टमर से पूछना, मैंने उससे सारी बात पूछी कि आपने क्या क्या काम किया है गाड़ी पे, कोई रीसेंट रिपेयर आपने की हो, किसी और मैकेनिक ने काम किया हो। उसने कुछ नहीं किया, उसने बस फ्यूजेज वगैरह चेक किए थे और बैटरी डिस्कनेक्ट की थी। अब कस्टमर ने बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी तो मेरे दिमाग में तभी आ गया कि अब कोड तो मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि कोड हो गया होगा क्लियर। तो वहां पे गए, सबसे पहली चीज मैंने कस्टमर से बात की, उसके बाद स्कैन टू लगाया तो कोड वहां पे कोई नहीं था। सो कोड से मुझे पता लग जाता, 2009 मित्सुबिशी की लेंसर गाड़ी है ये, कोड अगर मुझे मिल जाता तो मुझे एक रास्ता मिल जाता। अब मेरे पास कोड नहीं था क्योंकि कस्टमर ने बैटरी डिस्कनेक्ट कर ली थी। और उसके बाद मैंने कस्टमर से पूछा कि इस गाड़ी में क्या क्या काम किया गया है, मेरे यहाँ से आने से पहले क्या क्या किया है इस पे, क्या क्या कस्टमर ने खुद किया है या किसी से करवाया है, क्योंकि उस गाड़ी पे आफ्टर मार्केट का जो सामान होता है वो बहुत कुछ लगा हुआ था। सो कस्टमर ने हाई पावर वाली इग्निशन कॉइल्स लगाई हुई थी, कस्टमर ने ईवीसी थ्रॉटल कंट्रोलर लगाया हुआ था, कस्टमर ने बैटरी फ्रंट से लेके रीलोकेट करके उसकी डिग्गी में रख दी थी, है ना। सो बहुत सी चीजें उसने खुद से की हुई थी, जबकि उसे इलेक्ट्रिकल की नॉलेज नहीं है, जिस कारण बहुत से वेरिएबल बन जाते हैं, बहुत से इशू अलग आ जाते हैं कि क्या इशू उन चीजों से निकल रहा है जो कस्टमर ने किए हैं या कोई इशू गाड़ी ही कर रही है। तो सबसे पहली जो मैंने चीज पिछले एतवार को की थी उसकी गाड़ी पे काम करने से पहले, कि मैंने सारा कुछ वापस डाला जो कंपनी की तरफ से आता है गाड़ी में। सो जो उसकी ओरिजिनल इग्निशन कॉइल्स थी वो मैंने वापस डाली, जो उसका ईवीसी थ्रॉटल कंट्रोलर है उसकी मैं फोटो डाल दूंगा यहाँ पे, ये गाड़ी की स्पीड, ये कहते हैं कि स्पीड पावर मिलती है गाड़ी को, पर सब स्कैम है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो ईवीसी कंट्रोलर मैंने डिस्कनेक्ट किया, बैटरी हमने डिग्गी से निकाल के फ्रंट में डाली जहां पे वो होनी चाहिए। सो वो सारा कुछ मैंने कर दिया, गाड़ी फिर भी अभी भी लिम्प होम मोड में है। सो अब मैंने चेक करना है कि इश्यू आ कहां पे रहा है। मैंने लाइव डाटा चेक किया, सारा डाटा अपनी अपनी जगह पे है, कुछ बाहर नहीं है। सो अब लाइव डाटा मेरी मदद नहीं कर पा रहा, कोड कोई है नहीं, तो अब कैसे पता लगे कि इशू हो क्यों रहा है, लिम्प होम मोड क्यों आ रहा है। कभी भी अगर आपके पास कोई ऐसी गाड़ी हो कि बैटरी डिस्कनेक्ट की गई हो और जब कोड नहीं आ रहा हो, कोड तभी आते हैं जब आप गाड़ी को ड्राइव करते हो, जो ड्राइव साइकिल होता है, किसी कोड का ड्राइव साइकिल 2 ड्राइव साइकिल होता है, कि दो बार आप गाड़ी, एक बार गाड़ी चलाओ, गाड़ी बंद करो, फिर की ऑन करो, फिर स्टार्ट करो, फिर गाड़ी चलाओ, फिर बंद करो, तब कोड आता है। सो ये अलग अलग क्राइटेरिया होता है कि कोड वो ईसीएम कब सेट करता है। तो मैंने कस्टमर से कहा कि भाई हमें गाड़ी चलानी ही पड़ेगी, चाहे जितनी भी चले, हमें 2 साइकिल ड्राइव साइकिल देने हैं और कोई ना कोई तो कोड आना चाहिए, क्योंकि 2009 की गाड़ी है, ईसीएम को कुछ ना कुछ तो पता होगा कि ये लिम्प होम मोड में क्यों है। तो हमने गाड़ी को चलाया, गाड़ी 30 के ऊपर नहीं जा रही थी, तो जितनी भी जा रही थी हमने थोड़ी बहुत करके गाड़ी को चलाया, और दूसरे ड्राइव साइकिल में हमारे पास कोड आ गया पार्क न्यूट्रल स्विच का, या आप कह सकते हो इनहिबिटर स्विच का, या रेंज स्विच, ट्रांसमिशन की रेंज स्विच। जब वो कोड आया तो मैंने डैशबोर्ड पे देखा कि यार सही बात है, क्योंकि डैशबोर्ड पे जब गाड़ी पी में होती है या आर में होती है, डी में होती है, वो आपके एडोमीटर पे नहीं बता रहा था हमें कि गाड़ी किस पोजीशन में है।
तो वहां से मैंने वो कंफर्म किया कि हाँ कोड जो आ रहा है उसका जो रिजल्ट है कि हाँ हमें पता नहीं है कि गाड़ी कौन से गियर में है, वो भी हमने हमें देखने को मिल रहा है। फिर स्कैन टूल में जाकर मैंने ट्रांसमिशन के लाइव डाटा में देखा कि वहां पे भी वो मुझे नहीं बता रहा कि गाड़ी किस में किस गियर में है। तो मैंने कहा ठीक है यार, हमारे पार्क न्यूट्रल स्विच का इशू लग रहा है, वो हमें चेक करना पड़ेगा। उस दिन बारिश इतनी हो रही थी कि हम पूरे भीग रहे थे, मेरे पास मेरा लैपटॉप भी नहीं था, तो मुझे वायरिंग डायग्राम नहीं मिल सकी कि मैं उस वायरिंग डायग्राम को यूज करके पता कर सकूं कि कौन सा पी की वायर है, कौन सी आर की है, एन की है, ताकि मैं अपनी टेस्ट लाइट को यूज करके उसे बाईपास करके चेक कर लेता कि क्या हमारे कंप्यूटर को मेरी जो अपनी तरफ से मैं पोजीशन बता रहा हूँ वो पता लग रही है कि नहीं, जिससे कि क्या कंफर्म हो जाता है कि मेरा ईसीएम भी ठीक है, मेरी वायरिंग भी ठीक है, अब मेरी स्विच का इशू है। वो चीजें मैं नहीं कर सका, तो अभी भी शंका है कि कहीं हमारा ईसीएम या वायरिंग का इशू ना हो, पर बहुत मोस्ट लाइकली मुझे लगता है कि स्विच का इशू है। स्विच हमने मंगवा ली थी, अब हम कस्टमर के घर जाएंगे, पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि गाड़ी पे फॉल्ट आ क्या रहा है, उसके बाद मैं दिखाऊंगा वो स्विच है कहाँ पे, और उसके साथ हम स्विच को चेंज करेंगे, पहले गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, कोड देखेंगे कोई आता है कि नहीं, गाड़ी सही चलती है कि नहीं, फिर उसके बाद अगर जरूरत पड़ी हम वायरिंग डायग्राम के अंदर जाके वायरिंग डायग्राम से आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे ये सिस्टम चल रहा है। अगर हमारी गाड़ी बिल्कुल सही चल जाती है फिर हम घर आके मैं आपको स्क्रीन पे समझाऊंगा कि अगर मुझे वायरिंग डायग्राम यूज करनी पड़ती, अगर स्विच मानिए हमें स्विच मिल ही नहीं रहा, ये स्विच हमें बहुत मुश्किल से मिला है, अगर स्विच ना मिल रहा हो और आपको कंफर्म करना है कि बदलने से पहले क्या वो स्विच का इश्यू है या नहीं, तो क्या आपको स्टेप करना चाहिए, तो वो मैं आपको घर आके स्क्रीन पे समझाऊंगा कि क्या स्टेप आपको करना चाहिए इस सिचुएशन में कि जब आपके पास स्विच भी नहीं है और आप मेक श्योर करना चाहते हो कि वो इश्यू स्विच का ही है या ईसीएम का है या वायरिंग का है। तो चलिए दोस्तों हम पहले कस्टमर के घर चलते हैं और वहां पे जाके देखते हैं गाड़ी पे इशू आ क्या रहा है और करते हैं उसे डायग्नोज। सो फ्रेंड्स, जो कस्टमर की गाड़ी के बारे में हम बात कर रहे थे, ये गाड़ी है, इस पर हम चेक करेंगे पार्क न्यूट्रल स्विच, और वो हमारा कस्टमर है, आप वहाँ पे देख सकते हो, ये इस गाड़ी का कस्टमर है, ध्यान नहीं दे रहा, ओए देख, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा कस्टमर गाड़ी पे। तो गाड़ी पे जो मैंने आपको बताया था कि कस्टमर ने क्या क्या काम किए हुए थे, जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ, नज़दीक आइए, यहाँ पे हमारे पास इग्निशन कॉइल्स हैं, यहाँ पे भी इग्निशन कॉइल्स हैं। सो कस्टमर ने आफ्टर मार्केट इग्निशन कॉइल लगाई हुई थी, हाई वोल्टेज वाली इग्निशन कॉइल लगाई थी, पर देखने वाली ये बात है, अगर आपका इंजन वो सेम का सेम है, सेम कंप्रेशन रेशियो है, सेम एयर जो आ रही है, सेम इसकी फ्यूल इंजेक्शन है, अगर कोई चेंजेस वहाँ पे नहीं है, अगर आप फिर भी हाई पावर वाली इग्निशन कॉइल लगा देते हो गाड़ी पे, उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा आपको, क्योंकि कंप्रेशन रेशियो सेम है। अगर कंप्रेशन रेशियो में डिफरेंस आता तो आपको, अगर मानिए जो टर्बो इंजन होता है ना, उसमें एक्स्ट्रा इंड्यूस्ड पावर आ रही है, इंड्यूस्ड हवा आ रही है ना, तब आपको हाई पावर वाली स्पार्क चाहिए, क्योंकि उस कंप्रेशन में स्पार्क को ज़्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस करनी पड़ती है ना। इस वाली में कोई टर्बो नहीं है, सिंपल है, अगर आप हाई पावर वाली इग्निशन कॉइल भी लगा देते हैं, जैसे कस्टमर ने पैसे लगा के लगाई है, उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि इंजन तो वही है, उसकी स्पेसिफिकेशन जो इंजन की है वो सेम की सेम है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और जो कस्टमर ने चेंजेस किए हैं गाड़ी के साथ, उसने आफ्टर मार्केट एयर इनटेक लगाया हुआ है, उसने बैटरी इस मोटी तार से यूज़ करके गाड़ी की डिग्गी तक ये मोटी तार लेकर गया हुआ है, वहाँ पे इसने बैटरी की पॉजिटिव दी हुई है, और यहाँ पे एक छेद है आप देख सकते हो, यहाँ पे बैटरी का उसने नेगेटिव दिया हुआ था। सो जो अपनी तरफ से इसने काम किया हुआ था वो बिल्कुल, मैं ये नहीं कहूँगा ठीक नहीं था, पर वो हमारे मैकेनिक के एस्पेक्ट से है ना, ऑटो इलेक्ट्रिशियन के एस्पेक्ट से ठीक नहीं था। तो हमारी जो पार्क न्यूट्रल स्विच है वो आपको मैं दिखा दूं, वो यहाँ पे लगी हुई है, शायद आप देख ना सकें ऐसे, वो हमारी पार्क न्यूट्रल स्विच है फ्रेंड्स। सो वो हमने चेक करनी है आज, और नई वाली जो पार्क न्यूट्रल स्विच है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारी नई पार्क न्यूट्रल स्विच है, इसके अंदर हमारे पास 10 पिन्स हैं, तो अगर हमें वायरिंग चेक करनी पड़ी तो हम इसकी करेंगे, अदरवाइज हम पार्क न्यूट्रल स्विच रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि पिछले हफ्ते मैंने इसे चेक किया था, बाकी वायरिंग मैं आपको वीडियो के एंड में समझाऊंगा कि कैसे चेक की जानी थी। तो पहले मैं गाड़ी को स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी कर क्या रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको कहा था कि CVT सॉरी EVC कंट्रोलर यहाँ पे लगा है,
ईवीसी, ये कंट्रोलर यूज़ करते हैं अगर गाड़ी की स्पीड बढ़ानी हो। मुझे नहीं लगता इंडिया में आती है कि नहीं जाए। और इसका ये कनेक्टर था, ये पैडल के ऊपर लगा होता है, ये हमने डिसकनेक्ट कर दिया था। गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स गाड़ी स्टार्ट कर दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पे गाड़ी PRND लिखा हुआ है, और यहाँ पे अगर मैं दरवाज़ा बंद करूँ, हमारे पास इंजन लाइट भी आ रही है, सारी लाइट्स आ रही हैं, क्योंकि इस बार कोड है हमारे पास, पिछली बार कोड नहीं था। और अब देखिए ये पी में है, पर फिर भी ये हमें कहीं नहीं बता रहा कि गाड़ी कौन से गियर में है। अब मैं इसे आर में डालूंगा, फिर भी ये हमें नहीं बताया, एन में डालूंगा कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सो गाड़ी कौन से गियर में है हमारा ऑडोमीटर हमें नहीं बता रहा। अगर मैं स्कैन टूल भी कनेक्ट करूं ये फिर भी नहीं बता रहा। अब मैं रेस देता हूं, अब देखिए गाड़ी पी में है, अब मैं रेस दूंगा, अब रेस 250 से ऊपर नहीं जाएगी। ये पूरा पैडल मैंने नीचे लगाया हुआ है, देखिए ये मैं पूरा नीचे लेकर जाऊंगा, पूरा नीचे तक ले गया हूं मैं, और देखिए ये ऊपर नहीं जा रहा इससे ज्यादा। सो गाड़ी 2000 RPM के ऊपर नहीं जा रही है, और ये कस्टमर का इशू है। ये लिम्फो मोड में, कोड हमारे पास सारा है हमारे पार्क न्यूट्रल स्विच का। और एक चीज, कस्टमर ने इस पे जो रिवर्स कैमरा होता है, जो पीछे का रियर व्यू कैमरा होता है, वो इंस्टॉल कर रहा था। कस्टमर कह रहा था कि जब वो कैमरा इंस्टॉल किया कस्टमर ने, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, उसके बाद से ये इशू हो रहा है। कभी भी आपके कोई कस्टमर ऐसी बात बताता है तो हमें चेक करना पड़ेगा कि वो रिलेटेड है भी या नहीं, क्योंकि कैमरा के लिए इसने ज़्यादा से ज़्यादा रिवर्स लाइट को पीछे टच किया होगा और कुछ नहीं। सो वो जरूरी होता है जानना कि क्या क्या काम हुआ है, पर ध्यान रखिए कि वो आपको गलत दिशा में ना डाल दे कस्टमर की कोई बात, है ना। तो हमें पता है कि ये पार्क न्यूट्रल स्विच है, हमने ड्राइव साइकिल लिया था। तो चलिए अब हम बैटरी निकाल के पार्क न्यूट्रल स्विच को निकालते हैं और नई वाली पार्क न्यूट्रल स्विच डालते हैं और देखते हैं कि क्या फर्क पड़ता है। तो दोस्तों हमने पार्क न्यूट्रल स्विच डाल दिया है, कुछ ज़्यादा काम नहीं था, दो नट एंड बोल्ट थे उसके, और जो उसका लिंक होता है उसका बोल्ट था। गाड़ी बैटरी हमने दोबारा कनेक्ट कर ली है, नई स्विच डाल ली है वो भी कनेक्ट कर ली है, की ऑन करूँगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँगा कि हमें इशू आ कहाँ पर रहा था, कोड कौन सा आ रहा था वो दिखाता हूँ। टॉप डाउन का स्कैन टूल मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये मैंने रिसेंटली लिया है टॉप डाउन का, और पहले हम कोड दिखाते हैं आपको क्या आ रहा था। EOBD में चल जाऊंगा बेसिकली सिंपल, क्योंकि मैं गाड़ी सेलेक्ट करके नहीं जाना चाहता, मैं सोचता हूँ सिंपल एक कोड चेक कर लें हम। अब देखेंगे कौन से प्रोटोकॉल में ये बात करता है, इसने उठा लिया है वो, रीड फॉल्ट कोड करेंगे। देखिए हमारे पास ट्रांसमिशन रेंज सेंसर PRNDL इनपुट का कोड आ रहा है हमारे पास, क्लियर फॉल्ट कोड क्लियर करेंगे, दोबारा चेक करूंगा, कोई फॉल्ट कोड नहीं आ रहा। गाड़ी को स्टार्ट करूंगा, अभी भी हमारे पास फॉल्ट कोड आ रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि कोड क्लियर नहीं हुआ। मित्सुबिशी ओके, ट्रांसमिशन में जाकर देखेंगे। हमारे पास ट्रांसमिशन CVT, इसमें जाएंगे हम,
स्पेशल फंक्शन में देखेंगे। इसमें देखेंगे हमने हमारी इंडिकेटर, मुझे लगता है मुझे इसकी वायरिंग चेक करनी पड़ेगी जो कि मैंने पिछली बार नहीं की थी क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी। इसे मुझे लगता है इसकी वायरिंग चेक करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि क्या कंप्यूटर को पता लग रहा है कि ये कौन से गियर में है गाड़ी। तो पहले हमें वो चेक करने पड़ेगा कि क्या ECM को पता भी है कि कौन से गियर में ये गाड़ी चल रही है। सो फ्रेंड्स, हमने नई पार्क न्यूट्रल स्विच डाल दी थी, की ऑन की थी मैंने, गाड़ी स्टार्ट की। सच मानिए गाड़ी फिर से वही इशू कर रही थी जो पहले कर रही थी, गाड़ी रेव नहीं कर रही थी। सो नई पार्क स्विच डालने के बाद भी इशू वही पे था। सो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि मैंने बिना पूरे तरीके से डायग्नोज किए, मैंने पूरे तरीके से बिना डायग्नोज किए गाड़ी को गाड़ी में पार्क न्यूट्रल स्विच डाल दी। जब हमने संडे को जब मैंने गाड़ी डायग्नोज की थी तब मेरे पास मेरा लैपटॉप नहीं था, मैंने वायरिंग डायग्राम्स नहीं देख सका था क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी। अगर उस दिन मेरे पास वायरिंग डायग्राम होती मैं समझ जाता कि हमारी पार्क न्यूट्रल स्विच को पावर कहां से आ रही है और ये कैसे चल रही है, पावर का फ्लो क्या है, जैसे कि मैं आपको वायरिंग डायग्राम वाली वीडियो में बताता हूं। आज मेरे पास लैपटॉप था तो मैंने स्विच डाल दी, मैंने रिस्क ले लिया कि स्विच डालते हैं ठीक हो जाएगी। स्विच डाली, गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी फिर से वही काम कर रही है। रोड टेस्ट किया, वही कोड दोबारा आ गया हमारे इनहिबिटर स्विच का। तो अब कोड हमारे पास इनहिबिटर स्विच का दोबारा आ गया है, मेरे पास इशू वहां पे दोबारा वही आ गया है। अब कस्टमर देख रहा है कि मैंने स्विच डाल दिया है और गाड़ी अब भी ठीक नहीं हुई है, अब इशू कहां पे है। फिर मैंने अपना लैपटॉप ऑन किया और वायरिंग डायग्राम ढूंढनी शुरू की कि वायरिंग डायग्राम से पता लगे कि ये सिस्टम चल कैसे रहा है, क्योंकि अब स्विच हमने स्विच नई नहीं है, स्विच यूज्ड स्विच है, ये किसी रैकर से लाए थे, सेकंड हैंड स्विच है। सो फिर भी चलो मैंने मान लिया कि स्विच ठीक है, अभी मैंने वायरिंग टेस्ट करनी है, है ना। अब देखो दो चीजें हैं, अब तीन चीजें हो सकती हैं, या तो हमारा कंप्यूटर खराब हो सकता है, या वायरिंग का इशू हो सकता है, या हमारी स्विच खराब हो सकती है क्योंकि वो सेकंड हैंड स्विच है। अब मैंने वायरिंग चेक करके स्विच को बाईपास करना है कि मैं पक्का मेक श्योर कर लूं कि स्विच मेरी ठीक है। तो मैं वायरिंग चेक कर रहा था, सो मैंने वायरिंग निकाली है, मैं वायरिंग आपको दिखा देता हूं। वायरिंग आपको दिखाने के लिए मुझे बैक वाला कैमरा चलाना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, वायरिंग ये थी हमारे पास। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास लिखा है ट्रांसमिशन रेंज स्विच और हमारे पास यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 तारे दी गई हैं स्विच के पास। और जो हमारी गाड़ी पे स्विच है उसकी वायर थोड़ी सी कलर डिफरेंट है, इसका डिफरेंट है क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया में हैं और ये वायरिंग डायग्राम अमेरिका की मित्सुबिशी लेंसर की है। सो थोड़ा सा फर्क है, पर फिर भी मैंने यहाँ पे देखा कि ये एक वायलेट तार है और सेम वायलेट तार, मैं आपको फोटो डाल दूंगा स्क्रीन पे, सेम वायलेट तार हमारे पास इस गाड़ी में भी है जिस पे हमारे पास फ्यूज नंबर 18 7.5 एम्प के फ्यूज से पावर आनी चाहिए। रिले एनर्जाइज्ड हॉट विद इग्निशन इन ऑन, सो इग्निशन ऑन फर्स्ट पोजिशन। सो मेरे पास की ऑन पे यहाँ पर पावर आनी चाहिए जो कि पावर हमें बताती है ECM हमारे ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल को बताती है कि ये पी पोजीशन में है। अब मैं वायलेट वाली तार पे मैंने मल्टीमीटर से चेक किया, मेरे पास पावर नहीं आ रही थी। जब मैंने चेक किया मेरे पास वहाँ पे 0 वोल्ट थे। तो अब मैंने देखना था कि ये पावर आती कहाँ से है। सो यहाँ पे लिखा है ETACSECU ऑन द रियर ऑफ जंक्शन ब्लॉक बिहाइंड लेफ्ट एंड ऑफ डैश। सो लेफ्ट हैंड डैशबोर्ड के लेफ्ट साइड के पास एक ब्लॉक है, फ्यूज ब्लॉक है, जहां पे हमारे पास 7.5 एम्प का फ्यूज है जो कि हमारी पार्क न्यूट्रल स्विच की तरफ पावर भेजता है, जिससे हमारे हमारे ट्रांसमिशन कंप्यूटर को पता लगता है कि कहां ये पावर, ये स्विच कौन सी पोजीशन में है। तो मैंने वो फ्यूज ब्लॉक ढूंढना शुरू किया, मैं आपको दिखा देता हूं। ये मैंने सारा निकाला हुआ है और यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे ये हमारा फ्यूज ब्लॉक है और ये जो 10 एम्प का मैंने फ्यूज डाला है, ये 7.5 का फ्यूज था, ये मैं आपको दिखा देता हूँ।
ये देखिए 7.5, और मैं आपको दिखाता हूँ ये उड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं शायद, वो देखिए ये टूटा हुआ है बीच में से। सो मेरे पास 7.5 का फ्यूज़ नहीं था, तो मैंने 10 एम का डाल दिया। मैंने कस्टमर को कह दिया कि 7.5 का वो खुद डाल ले, तो मैंने 10 एम का डाल दिया। 10 एम का डालने के बाद हमारी जो पर्पल वायर है, हमारी जो ये वाली वायर है, इस पे हमारे पास 12 वोल्ट आ गए, जो कि 12 वोल्ट यहां से होकर हमारी स्विच तक जाते हैं, स्विच से हमारे ट्रांसमिशन कंप्यूटर तक जाते हैं। और उसके बाद हमने जब गाड़ी स्टार्ट की, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये हम गाड़ी की ऑन करेंगे, गाड़ी को स्टार्ट करूंगा, गाड़ी मैंने स्टार्ट कर ली है, अब मैं इसे रेस दूंगा। जैसे कि आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये रेस भी पकड़ रही है, बिल्कुल सही पकड़ रही है, कोई लिंप होम मोड में नहीं है। इंजन लाइट ऑन है क्योंकि मैंने कोड क्लियर करना है। सो कोड क्लियर करेंगे पहले। सो लोकल डायग्नोज में गया मैं, ओबीडी में गया, ओके दबाया। अब फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहां पे लिखा है पी। मैंने आपको पहले बताया था कि इस ये नहीं बता रहा कि ये कौन से गियर में है, अब ये हमें बता रहा है कि ये पी पोजीशन, पी गियर में है। अगर मैं इसे रिवर्स में डालूंगा, रिवर्स में बता रहा है, एन में बता रहा है, डी में बता रहा है। सो ये पोजीशन हमें पहले देखने को नहीं मिल रही थी क्योंकि कंप्यूटर को ये पोजीशन नहीं पता लग रही थी क्या है। अब हम कोड चेक करेंगे पहले, हमारे पास वो कोड है ट्रांसमिशन रेंज स्विच के, इसे क्लियर करूंगा क्योंकि क्लियर नहीं किया मैंने। ये की ऑफ करूंगा, की ऑन करूंगा, स्टार्ट करूंगा। फिर से मुझे लगता है की ऑफ, सो की ऑन करके मुझे कोड क्लियर करने पड़ेंगे ये, क्योंकि यहां पे लिखा है इंजन ऑफ की ऑन। देखिए इंजन ऑफ की ऑन, सो मैंने इंजन ऑफ की ऑन किया, ये किया रीड फॉल्ट कोड, नो फॉल्ट कोड। अब मैं स्टार्ट करूंगा और इंजन लाइट चलेगी फ्रेंड्स। सो इंजन लाइट चलेगी है, हमारा कौन से गियर में है वो हमें बता रहा है। रेस दूंगा, रेस हमारे पास आ रही है। सो फ्रेंड्स इस जो हमने आज किया है, इसमें से सीखने के लिए ये है कि कभी भी जंप नहीं करना चाहिए कंक्लूजन पे। मैं जंप नहीं करता, उस दिन सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि बारिश बहुत हो रही थी, बाहर काम कर रहे हैं, सड़क पे काम कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो सड़क है यहाँ पे, सड़क पे काम कर रहे हैं, तो लैपटॉप मेरे पास था नहीं, तो मैंने, ये मेरी गलती हुई है, मैं मानता हूं कि मैंने, मुझे कस्टमर को कह देना चाहिए था कि पहले हम वायरिंग चेक करेंगे जिस दिन बारिश रुकेगी, उसके बाद हम स्विच ऑर्डर करेंगे। पर मैंने सोचा कि अगर उस दिन मैंने चेक किया और स्विच ही खराब निकली, तो स्विच कहां से लाएंगे, क्योंकि आज के दिन छुट्टी है और सारा बंद पड़ा है, आज के दिन स्विच हम कहां से लाते। तो मैंने उस चीज को आप कह सकते हैं कि मैंने बस फैसला ले लिया कि स्विच ही मंगा लेता हूं, है ना। स्विच हमने मंगवा ली, स्विच डाल ली, और पता निकला फ्यूज खराब। एक छोटे से फ्यूज की वजह से हमें $70-70 की स्विच डालनी पड़ी। पर कस्टमर से बात किया है, वो खुश है ना, वो कह रहा है कि गाड़ी ठीक हो गई, छुट्टी वाले दिन गाड़ी ठीक हो गई, कम से कम अब उसको बस नहीं लेनी पड़ेगी। पर बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैं पहले भी वीडियोस में बताता रहा हूं कि मेक श्योर करिए कि इशू कहां पे आ रहा है, वायरिंग चेक कीजिए, है ना, मल्टीमीटर को यूज करिए, देखिए पावर कहां से आ रही है, किस तरफ जा रही है। वायरिंग डायग्राम से ही आपको सारा पता लग जाता है, बहुत जरूरी है वायरिंग डायग्राम भी यूज करना। और वायरिंग डायग्राम यूज की, हमें पता लग गया कि पावर एक फ्यूज से आ रही है, वो फ्यूज कहाँ पे है, वो यहाँ पे था, हमने फ्यूज डाला, फ्यूज रिप्लेस किया, और हमारे स्विच के पास पावर आ गई और हमारा सिस्टम सही से चलने लगा। सो बाहर निकल के दिखा देता हूँ मैं आपको। सो गाड़ी हमारी चल रही है फ्रेंड्स, बैटरी हमने वहां पे लगाई हुई है जम्पर लीड्स के साथ। ये हमारी नई स्विच है, ये हमारी नई स्विच है, गाड़ी बिल्कुल ठीक चल रही है अब। तो सिंपल इशू था एक फ्यूज का, जिसकी वजह से मैंने स्विच डाल दिया, पर जो अब हो गया तो हो गया। कस्टमर भी नाराज़ नहीं है, वो भी खुश है क्योंकि उसकी गाड़ी ठीक हो गई है। तो मुझे लगता है ये गाड़ी हमारी यहाँ पे डन हुई है। अभी बस मुझे बैटरी इसकी दोबारा अपनी जगह पे रखनी है,
सारा कुछ दोबारा फिट करना है जो जहाँ से भी निकाला था, और गाड़ी को रोड टेस्ट करना है एक बार। जब सारा मेक श्योर हो जाएगा गाड़ी मैं कस्टमर को दे दूँगा। तो मुझे लगता है यहीं पर वीडियो ख़त्म करेंगे, और इसके बाद मैं आपको वायरिंग में समझा देता हूँ, घर आके समझा देता हूँ कि स्क्रीन पे समझा देता हूँ कि वो PRNDL को अगर हम बाईपास करना चाहें तो वो हम कैसे बाईपास करेंगे। उसके ऊपर छोटी सी वीडियो बना के मैं आपको समझा दूँगा कि वो हम अगर ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हर एक इंसान का फ्यूज़ नहीं होता, गाड़ी का फ्यूज़ नहीं ख़राब हुआ होता है, कई बार लोगों की स्विच भी ख़राब हुई होती है, तो उस स्विच को बाईपास कैसे करना है वो मैं आपको घर जाके बताता हूँ। तो ये यहाँ पर वीडियो हम रोकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया था गाड़ी पे काम करते हुए कि वायरिंग डायग्राम को यूज करके हम इस स्विच को बाईपास भी कर सकते हैं, जो कि मैंने गाड़ी पे नहीं किया था, क्योंकि हमने पहले ही उस चीज का फॉल्ट रेक्टिफाई कर लिया था। पहले ही हमने चेक कर लिया था कि हमारे पास पावर का इश्यू है, कि हमारी पावर नहीं आ रही वायलेट कलर की तार पे। तो अगर मानिए मेरे पास ये वायलेट कलर पे पावर भी होती है ना, स्विच वीडियो में तो मैंने स्विच मंगवा लिया था, मानिए हमने स्विच नहीं मंगवाया, जो चीज मुझे संडे को करनी चाहिए थी, अगर मैं करता, अगर मेरे पास ये डायग्राम होती, तो मुझे डायग्राम से इंफॉर्मेशन क्या चाहिए थी? मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए थी कि ये जो पी लिखा है या आर लिखा है, ये एन लिखा है, ये डी लिखा है, इनकी तार कौन से कलर की है। अगर पी की तार ब्लैक एंड व्हाइट वाली है तो मैं वहां पे बाईपास टेस्ट करूंगा उस तार पे। मुझे जानना चाहता था कि मैं कौन सी तार पे बाईपास टेस्ट करूं। कभी भी किसी सेंसर को या स्विच को आप बाईपास टेस्ट कर रहे हैं, आपको जानना जरूरी है कि वो काम कैसे कर रही है, अदरवाइज कंप्यूटर के खराब होने का डर बहुत है। मैं मानता हूं स्विच में कंप्यूटर के खराब होने का डर इतना नहीं है, पर अगर ये एक आदत हम बना ले तो हम हर बार वैसे ही करेंगे। अगर किसी बार हम गलती कर लेते हैं तो वो नुकसान बहुत भारी हो सकता है। सो मुझे वायरिंग डायग्राम से पता लग जाएगा कि कौन सा जो हमारा इंडिकेटर है, पी वाला है, आर वाला सिग्नल है, कौन सी इनपुट की तार कौन सी है। मानिए हमारे पास स्विच नहीं है, मैंने पावर चेक की, वायरिंग डायग्राम निकाली, मैंने पावर चेक की कि मेरे पास यहां से 7.5 एम्प की पावर आ रही है इस वायलेट कलर की वायर पे, और मैंने स्विच पे जाके डिस्कनेक्ट किया, की ऑन पे मैंने डिस्कनेक्ट किया, और यहां पे वायलेट कलर की तार पे हमारे पास पावर आ रही है, तो वहां से मुझे ये कंफर्म तो हो रहा है कि अब पावर तो स्विच तक आ रही है। अब बाईपास कैसे किया जाए? तो बाईपास के लिए मैं आपको दिखा देता हूं। फ्रेंड्स, बाईपास के लिए हमारे पास, क्योंकि जो पावर आ रही है मेरी, हम उसे बाईपास नहीं करेंगे। मानिए मैंने चेक करना है कि क्या ECM को पता लग रहा है कि ट्रांसमिशन पी में है, पार्क में है कि नहीं। तो ये हमारी पार्क वाली तार है। अगर मैंने ये चेक करना है कि ये सिग्नल पी वाला सिग्नल ECM तक या TCM तक आपके ट्रांसमिशन तक जा रहा है, मैं क्या करूंगा? अब देखिए यहां से क्या आ रहा है, यहां से हमारे पास पावर आ रही है, 12 वोल्ट आ गया, ठीक है, 12 वोल्ट यहां से जा रहे हैं अंदर, यहां से अंदर जा रहे हैं, यहां से गए पी के पास गए, अगर पी में है तो ये वोल्ट 12 वोल्ट यहां से जाएंगे इस तार पे, थोड़ा नीचे आऊंगा, वो हरे रंग की जो तार है उस पे रहेंगे हम, वो तार यहां जाती है और यहां जाके इस तरफ ये TCM तक जा रही है, 33 नंबर वाली पिन पे, सॉरी 32 नंबर वाली पिन पे हमारी वो तार जा रही है। सो कहने का मतलब ये है कि पावर जो है हमारी, जो हमारी पावर है वो यहां से होके हमारी नीचे कंप्यूटर तक जा रही है। मानिए ये कंप्यूटर है, यहां पे TCM है। सो जब पी में होगी गाड़ी तो हमारा कंप्यूटर क्या रीड करेगा? 12 वोल्ट, क्योंकि 12 वोल्ट यहां से आ रहे हैं अंदर से होके, स्विच के अंदर से होके TCM तक आ रहे हैं, उसे पता है कि ये 12 वोल्ट है। जब हम इसे R में डाल देंगे तो ये वाली सुई है जो ये यहां पे आ जाएगी, ये जो हमारी सुई है ये R पे आ जाएगी। अब R पे आ जाएगी तो जो पावर है यहां से वो यहां से होकर P की जगह R वाली तार पे आ जाएगी। अब ये R वाली तार यहां पे TCM के पास जा रही है तो TCM को पता लग जाएगा कि, क्योंकि हम R वाली तार पे 12 वोल्ट आ गए हैं,
तो TCM को अंदर पता लग जाएगा, क्योंकि P की अलग सर्किट है, R का अलग है, N का अलग है, D का अलग है, तो उसे पता लग जाएगा कि R वाली तार पे 12 वोल्ट आ गए हैं और P वाली पे हो जाएंगे 0 वोल्ट, क्योंकि अब पावर R पे जा रही है, तो उसे पता लग जाएगा कि गाड़ी रिवर्स में चलेगी है। अब हमने बाईपास करना है, स्विच हमारे पास है नहीं है, हमने चेक करना है कि क्या करें। सो हमने सिंपल सा टेस्ट करना है, हमने लेनी है हमारी टेस्ट लाइट, और टेस्ट लाइट लेकर चाहे जो जिस पे भी लगा दें, आर पे लगा दें, एन लगा दें, डी पे लगा दें, जब तक आपको पता है कि वो तार का रंग कौन सा है। अब मुझे पता है कि ये ऑरेंज कलर की जो संतरी कलर की तार है वो रिवर्स की है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे अपनी टेस्ट लाइट लगाऊंगा और वो जाएगी सीधा पावर पे, क्योंकि मैं इसे अपनी तरफ से पावर दूंगा। अब आपने टेस्ट लाइट को पावर पे लगाना है और इसको पावर देनी है। अब 12 वोल्ट यहां से जाएंगे टेस्ट लाइट में, ये यहां पे बल्ब लगा हुआ है, और यहां से होके 12 वोल्ट सीधा अंदर होके TCM तक। जब TCM तक 12 वोल्ट जाएंगे, TCM को पता लग जाएगा कि ये गाड़ी रिवर्स में है, जबकि हमारे पास स्विच भी नहीं है। मैंने तो स्विच निकाल दी, मानिए स्विच है ही नहीं, है ना, सिंपल आपने स्विच ये बाहर ही निकाल दी। हमने तो बस ये संतरी कलर की तार पे 12 वोल्ट लगाए हैं, संतरी कलर की तार पे मैंने 12 वोल्ट लगा दे, स्विच का तो काम ही नहीं है। TCM को तो 12 वोल्ट वहां पे देखने को मिल गए ना, अब TCM को 12 वोल्ट देख गए, वो भी आर वाली तार पे, रिवर्स वाली तार पे, उसने दिखा देना कि गाड़ी रिवर्स में है, जिससे क्या पता लगता है कि हमारे TCM को पता लग रहा है कि वो कौन से गियर में है, हमारी वायरिंग बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहां से 12 वोल्ट TCM तक जा रहे हैं, हमारी पावर भी बिल्कुल सही है, हमने वो पहले चेक कर ली थी, तो रह क्या जाता है हमारे पास पीछे स्विच। अगर यही चीज मैं संडे को करता, अगर मेरे पास वायरिंग डायग्राम होती, सिंपल मैंने टेस्ट लाइट लेनी थी, इनमें से एक तार को 12 वोल्ट दे देने थे, अगर मेरे अंदर जो हमारा क्लस्टर है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, वहां पे PRN या D लिखा जाता, मुझे श्योर हो जाना था कि मेरी जो वायरिंग है वो TCM वो सारा कुछ ठीक है। मैंने ये पावर भी चेक कर लेनी थी, अगर ये मैं पावर चेक कर लेता उस दिन, मैंने देख समझ आना था कि पावर नहीं है, ये हमारा पावर का इशू है, स्विच का इशू नहीं है। सो बहुत ध्यान देने वाली चीजें हैं, केयरफुली काम करना चाहिए हमें कि कहाँ से ये सारा जो फ्लो है हमारे करंट का, हमारे पावर का, वो कहाँ से शुरू हो रहा है, किस तरफ जा रहा है, कौन कौन से सर्किट उस वाले उस फ्लो में आ रहे हैं, और कैसे आप जब बहुत से लोग ये कहते हैं कि बाईपास टेस्ट, अरे हमारे पास ये सेंसर है या ये कंपोनेंट है, ये सोलिनॉइड है, इसका बाईपास कैसे करें। बाईपास आप खुद सीख जाओगे जब आप समझना शुरू कर दोगे कि वो फ्लो कैसे है। बाईपास कोई अपना तरीका नहीं, बाईपास मैं कहीं से सीखा नहीं हूं, बाईपास आप खुद ही बनाने शुरू कर देंगे जब आप समझ जाएंगे कि यहां पे चल क्या रहा है और ECM या TCM या BCM आपका देखना क्या चाह रहा है। सो बहुत सिंपल सी चीजें हैं, बहुत सिंपल सर्किट है पार्क न्यूट्रल स्विच का, मैक्सिमम गाड़ियों का ऐसे ही होता है, बस एक चीज की जानने की जरूरत है आपको कि वायरिंग क्या है उसकी, कौन सी तार आर की है, कौन सी एन की है, कौन सी डी की है, क्योंकि जब तक आप वायरिंग श्योर नहीं करते वायरिंग से, चाहता तो मैं बिना वायरिंग के भी टेस्ट लाइट लेकर एक एक तार पे लगा देता, पर ये हर एक गाड़ी पे नहीं सही होता, क्योंकि कंप्यूटर सर्किट कई बार बहुत डेलिकेट होते हैं, महंगी गाड़ियों के बहुत डेलिकेट होते हैं, एक छोटी सी चूक हो जाए हमारे से तो वो सारे का सारा कंप्यूटर खराब हो जाएगा, और वो अब हमारे सिर पे आएगा, कस्टमर की वो इशू नहीं, वो कस्टमर की गलती नहीं है, है ना। सो जब भी काम करना है हमेशा अपना होमवर्क कीजिए, मेक श्योर करिए कि आपको पता हो कि वो सिस्टम कैसे चल रहा है, उसकी रिसर्च करिए, गूगल पे देखिए, वायरिंग डायग्राम देखिए, सिस्टम को समझिए, उसके बाद उसका बाईपास टेस्ट बनाइए। अगर आपको कन्फ्यूजन है हमसे भी पूछ सकते हैं कि ये बाईपास टेस्ट हमने बनाया कि क्या ये सही है कि नहीं, मैं भी आपकी हेल्प करूंगा, पर जानना जरूरी है किसी भी सर्किट पे काम करने से पहले कि वो सर्किट चलता कैसे है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है मुझे आपको ये वीडियो पसंद आई होगी कि वायरिंग डायग्राम हमने यूज इतनी यूज नहीं की, क्योंकि इसमें बस वायरिंग डायग्राम से मैंने पावर ही चेक की है कि कहां पे पावर आ रही है, क्योंकि पावर का इशू था, पर वायरिंग डायग्राम भी हमने यूज किया है डायग्नोस करने में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और मिलेंगे अगली बार।